ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में, और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद इंदर सिंह का पार्थिव शरीर, 7 वर्षीय बेटे उदय सिंह ने दी चिता को मुखाग्नि। हमीरपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण 50% घटी ओपीडी, अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी के कारण दूसरे अस्पतालों में मरीजों को किया जा रहा है रेफर। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पैसों की तंगी ने ली बुजुर्ग की जान, सिलेंडर की सिक्योरिटी न होने के कारण नहीं मिला बुजुर्ग को ऑक्सीजन। और मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में शुरू हुआ 46वां हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट, देशभर की 7 फुटबॉल टीमें ले रही है भाग। हिमाचल में डेंगू के डंक से हड़कंप मच गया है। प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू के 2500 से ज्यादा संदिग्ध मामले पहुंचे हैं। कुल 2621 लोगों के खून के नमूने जांचने के बाद 401 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप सोलन जिले में है, जहां 265 मरीजों में डेंगू बुखार के लक्षण की पुष्टि हुई है। हेल्थ इमरजेंसी की तर्ज पर राज्य सरकार ने सुबह में अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शिमला में स्वास्थ्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य संबंधित विभागों की आपात बैठक बुलाकर डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने की हिदायत जारी की। आला अफसरों से कहा गया कि वे डेंगू के कहर से निपटने में विभागीय अमले को तैनात कर दिया है। मरीजों को उपचार की व्यवस्था समेत डेंगू के मामले रिपोर्ट होने वाले स्थानों पर फॉगिंग, दवा छिड़काव समेत तमाम कदम फौरन सुनिश्चित किए जाएं। वहीं सोलन जिले में पॉजिटिव पाए गए कुल 265 मामलों में से अधिकांश परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के हैं। गनीमत रही कि डेंगू बुखार से अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश में डेंगू के मामलों को एक भयानक महामारी की तरह लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले सोलन जिला से हैं। मरीजों की निशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग स्थानीय निकायों के साथ मिलकर संबंधित क्षेत्रों से छिड़काव को मुफ्त फॉगिंग मशीनें उपलब्ध करवा रहा है। इस स्थिति में स्थानीय निकायों को भी पानी एकत्र न होने देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन सोलन ने SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के विभिन्न दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। SDM नालागढ़ को भी क्षेत्र का विस्तृत दौरा करने और स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होगी। सरकार हिमाचल प्रदेश महामारी डेंगू अधिनियम 2017 को पहले से अधिसूचित कर चुकी है। उल्लंघन करने पर ₹500 जुर्माने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू के बारे में एडवाइजरी जारी की है। इसमें खिड़कियों के शीशे बंद रखने, मच्छरों से बचने के लिए क्रीम लगाने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने, आसपास पानी एकत्र ना होने दे, मच्छरदानी का प्रयोग करने, कूलरों को साफ रखने, जल भंडारणों की नियमित सफाई और पानी के बर्तनों को खुला न रखने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बुखार की स्थिति में हल्के भोजन, पानी का अधिक उपयोग, पूरी तरह से आराम करने, बुखार के लिए एक्सप्रिन का प्रयोग ना करने, लाल दाग, खून आना, अत्यधिक थकान, सांस की दिक्कत और बार बार उल्टियाँ आने की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाकर अपने रक्त की जांच करवाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मनाली से रोहतांग के लिए नियमित इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी है। मनाली बस अड्डे से रोजाना 25 सीटर बस सुबह 8:30 पर रोहतांग के लिए रवाना होगी। प्रति सीट आने जाने का किराया मात्र ₹600 होगा। बर्फ से ढके मार्ग पर करीब 2.5 घंटे के रोमांचक सफर के बाद यात्री रोहतांग पास पहुंच रहे हैं। रोहतांग पास पहुंचकर बस करीब 2 घंटे रुकेगी। इस दौरान यात्री दर्रे पर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। मौसम को देखते हुए फिलहाल बस एक ही चक्र लगाएगी। बता दें कि NGT के प्रतिबंध के बाद HRTC ने रोहतांग पास के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। सोमवार को भी बस सवारियों को लेकर रोहतांग पहुंची। रोहतांग दर्रे और आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हल्का हिमपात हुआ है। सैलानी बर्फ की चाह में रोहतांग पहुंच रहे हैं। सोमवार से सस्ती बस सेवा शुरू हो गई है। मंगलवार को BRO का रोड मेंटेनेंस डे रहा और बुधवार से बस नियमित रूप से चली। वहीं यात्रियों की संख्या को देखते हुए रोहतांग के लिए एक और बस चलाई जाएगी।
अभी एनजीटी के निर्देश पर रोजाना 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहन ही रोहतांग जा रहे हैं। निजी वाहनों में सफर काफी महंगा पड़ता है। एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक कुल्लू योगराज ने बताया कि रोहतांग के लिए नियमित इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है। मनाली रोहतांग पास के लिए रूट परमिट मिल गया है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर नियमित बस सेवा शुरू की गई है। ज्ञात रहे कि इलेक्ट्रिक बस आपको मात्र 600 रुपए में रोहतांग घुमाकर वापस ले आएगी। निजी वाहन में रोहतांग जाने से पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा, जिसका प्रति वाहन 550 रुपए शुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल के सेब बागवानों को इस साल करीब 1000 करोड़ रुपए की मोटी चपत लगी है। मौसम की बेरुखी के चलते इस सीजन में सेब उत्पादन में 1 करोड़ पेटी की गिरावट दर्ज की गई है। सूबे की औसतन में 3 करोड़ पेटियों की कारोबार होता है, लेकिन इस बार सेब की महज 2 करोड़ पेटियां की ही पैदावार हो पाई है। किन्नौरी सेब की आखिरी खेप के मंडियों में बिकते ही प्रदेश में सेब सीजन खत्म हो गया है। बागवानी निदेशालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सेब के बगीचों में लगभग 2 करोड़ पेटियों का उत्पादन हो पाया है। इनमें भी देश भर में मंडियों में महज 1,81,32,639 सेब की पेटियां ही उतर पाई है। बता दें कि 18 लाख पेटियां घरेलू उपभोग में इस्तेमाल की गई है। वर्ष 2016 में 2,10,999 सेब की पेटियां मंडी में भेजी गई। वर्ष 2015 में 3,49,70,662 पेटियों और 2014 में 2,81,33,953 कार्टन का उत्पादन हुआ। ज्ञात रहे कि एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सेब का करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। इस बार यह लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट गया है। वहीं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि खराब मौसम के कारण ही इस साल हिमाचल में सेब सीजन प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में परागण के वक्त मौसम खराब रहा और ओलावृष्टि हुई। कई इलाकों में फूलों और फूलों पर भी इसकी मार पड़ी, इससे सेब की पैदावार प्रभावित हुई। वहीं राज्य सरकार के प्रधान सचिव बागवानी जेसी शर्मा ने कहा कि कम पैदावार होने के पीछे जलवायु और पर्यावरण में आए बदलाव का कारण है। इस बार सेब के फलों की सेटिंग के दौरान मौसम सरगर्म होता रहा, उससे भी समस्या हुई। बता दें कि विभाग के पास प्रदेश में 80 से 90 साल पुरानी सेब की किस्में हैं, इनसे ज्यादा पैदावार नहीं ली जा सकती। अगर बागवानों को हर साल अच्छी फसल लेनी है तो रूट स्टॉक आधारित सेब के पौधे लगाने ही होंगे, इसी से सेब की अच्छी पैदावार ली जा सकेगी। इस साल 2 करोड़ से भी कम सेब पेटियों के उत्पादन से सबक लेने की जरूरत है। रिपोर्ट के चैनल। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और समूचा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। कि ये प्रकृति है, इसके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। कभी हमारे समय में सर्दियों में बारिश 4-4 दिन 5-5 दिन लगातार चली रहती थी, लेकिन अब मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और अब जो है तो हम देखते हैं कि बारिश के लिए तरसे रहते हैं लोग। कोई प्रभु के दरबार में चला हुआ है, कोई देवता के दरबार में चला हुआ है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये सब इंसान का किया हुआ है। पेड़ कट गए, चारों तरफ सीमेंट का जाल बिछा हुआ है, बिल्डिंगें सीमेंट की हो गई हैं। धरती जो है वो अपनी उष्मा जो है, गर्मी जो है, वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। ऊपर से जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो जमीन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट का जाल बिछा हुआ है। तो जब तक ज़मीन गर्म नहीं होगी, इससे भाप नहीं निकलेंगे, तब तक बारिश नहीं होगी और मौसम ऐसे का ऐसा रहेगा। सबको पता है कि साल में 6 ऋतु होती है और बारी बारी सब भी ऋतुओं का जो है आगमन होता है। अब शरद ऋतु है तो हमको मेंटली जो है अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु तो हर वर्ष आती है। परंतु एक हम जरूर कहेंगे कि दिल्ली और जो यूपी के शहर है, वैसी स्थिति हिमाचल में ना बने, स्मॉग ना हो और धुआं धुई वगैरह जो है जो हमें फेस करनी पड़ती है
अगर ये क्या रिली हो जाती है तो अवश्य इससे किसान के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पहले ही इसके इंतजाम किए जाए ताकि ये स्मॉग वगैरह हम लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध ना हो। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ मंडी टाउन, संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड HP नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। एडमिशन स्टार्ट फॉर BSc नर्सिंग, ड्यूरेशन 4 ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 मेडिकल विद 45%। फ्यू सीट्स आर वैकेंट इन स्टेट कोटा। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। सो प्लीज कॉन्टेक्ट संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, PPO बिजनी डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। सार्वजनिक सूचना, सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2017-18 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में 6ठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 अप्रैल 2018 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन ही होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2017 तय की गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक गांव में जनसंपर्क, लोक मित्र केंद्र अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में स्थापित केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही जमा करवा सकते हैं। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अपने पुत्र पुत्री का पंजीकरण नजदीकी जनसेवा केंद्र में करवाकर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की सेवाओं का लाभ उठाए। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में 46वीं अखिल भारतीय हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में देशभर की 7 फुटबॉल टीमें भाग ले रही है। फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने किया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कोलकाता, ट्राई उम्फ फुटबॉल क्लब मंडी, हरियाणा यंग्स हिसार, करनी फुटबॉल क्लब बीकानोर, चंडीगढ़ यूनाइटेड क्लब चंडीगढ़ और युवा स्टार फुटबॉल क्लब पठानकोट की टीमें भाग ले रही है। शुभारंभ के मौके पर फुटबॉल आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी भेंट कर स्वागत किया। फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने कहा कि जो खिलाड़ी बाहर से हिमाचल प्रदेश में आए हैं वे यहां की सुंदर वादियों का आनंद ले। साथ ही उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से आने वाले सभी प्लेयरों का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा खेल जो है यहां के खेल प्रेमियों को देखने के लिए प्रस्तुत करेंगे और खेल जो है वो खेल भावना से खेलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार कमेटी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और सभी प्लेयरों का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और साथ ही जो है आई डिक्लेयर द 46th हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट ओपन। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 19 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह में प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार बरांटा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में साई हॉस्टल धर्मशाला व पुरुष वर्ग में सोलन चैंपियन बना। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में चल रही राज्य स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के महिला वर्ग के फाइनल मैच में साई हॉस्टल धर्मशाला ने स्टेट हॉस्टल को 38 के मुकाबले में 31 अंक से पराजित किया, तो वहीं पुरुष वर्ग में सोलन ने ऊना की टीम को रोमांचक मुकाबले में 1 अंक से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल के लिए किया गया है, जो कि 31 से 4 जनवरी तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार बरांटा ने कहा कि कबड्डी खेल में प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में कई ऐसे खिलाड़ियों ने भाग लिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेल चुके हैं। बरांटा ने कहा कि प्रो कबड्डी के लिए हिमाचल में भी अच्छी सुविधाएं हैं और प्रो कबड्डी में 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जो कि बड़ी गर्व की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल कबड्डी आज पूरे भारतवर्ष में बहुत हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। और अभी जैसा कि आपको मालूम है, मेरे ख्याल बताया होगा जनरल सेक्रेटरी साहब ने, अभी हमारे 5 बच्चे हिमाचल प्रदेश के, जिसमें कि 3 लड़के और 2 लड़कियां, अभी इंडिया कैंप में हैं। अभी इसी महीने जो है ईरान में कबड्डी का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए जो है हमारे 5 बच्चे भी इंडिया कैंप में हैं। और भविष्य में हम ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे इंडियन टीम में खेलें, और यहीं से जो है हमारे बच्चे अभी जैसा प्रो कबड्डी में आपने देखा, हमारे 8 बच्चे हमारे जो है अभी जो प्रो कबड्डी हुई उसमें पार्टिसिपेट किया, तो भविष्य में भी यहाँ पे अच्छा स्कोप है। सारे हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं, कोचिज हैं, सारे लोग दिन रात मेहनत करके कबड्डी का ये स्तर है इसको ऊपर उठाने का सब प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सचिव रतनलाल, जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान अमित ठाकुर, सदस्य संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वन विभाग हमीरपुर आने वाले दिनों में जंगलों का मुआयना करके सर्वे का पता लगाया जाएगा कि तेंदुए जंगलों में कितनी तादाद में है, साथ ही तेंदुओं के जंगलों से पलायन करने के लिए भी काम किया जाएगा। हमीरपुर वन परिक्षेत्र में 19 से 26 नवंबर तक वन विभाग द्वारा सर्वे किया जाएगा और तेंदुओं से निपटने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित वर्कशॉप में वन विभाग हमीरपुर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें वनों में तेंदुओं का पता लगाने के सर्वे करवाने के साथ साथ कर्मचारियों को तैयार किया गया। DFO वन्य प्राणी हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि 19 से 26 नवंबर तक जंगलों में जाकर वन विभाग सर्वे करेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि जंगलों में किस तरह के प्राणी हैं और जानवर जंगलों से पलायन क्यों कर रहे हैं, साथ ही तेंदुओं की प्रजातियों के बारे में पता लगाया जाएगा। बता दें कि वनमंडल हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर है और इस वनमंडल के अधीन 5 वन रेंजर, 15 वन ब्लॉक और 70 वन बीट्स है। डिवीजन के लगभग सभी क्षेत्र में मानव और तेंदुओं के संघर्ष के कई मामलों की सूचना दी जा रही है, लेकिन मानव और तेंदुओं के संघर्ष की गंभीरता का आकलन करने के लिए आज तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही संघर्ष क्षेत्र को पहचानने और उसे उजागर करने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में मानव वन्य जीवन संघर्ष एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है। क्षेत्रीय डिवीजनों के कर्मचारी इसका सामना नियमित आधार पर करते हैं। यदि इस सर्वेक्षण को फील्ड क्षेत्र में किया जाता है तो इसे बेहतर योजना बनाने और ऐसे मुद्दों से निपटने में संबंध की नीतियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। हमने एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है ये कि हम पूरे के पूरे अपने जंगलों का मुआयना करेंगे। इस अवसर पर वन्य अरण्यपाल अनिल जोशी, DFO हेडक्वार्टर संगीता चंदेल, RS गोमा, DFO वन्य प्राणी प्रीति भंडारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।